क्या आप जानते हैं कि हमारी जो नाक है वो कितनी तरह के गंध को महसूस कर सकती है? क्या आप ये जानते हैं कि हमारी जो आँख है वो कितने मेगापिक्सल की होती है? हमारे जो शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पे पाई जाती है, या हमारे शरीर के सबसे पतली त्वचा कहाँ पाई जाती है? क्या आप ये जानते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम क्या है? तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सब जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। नंबर 9, 80% लोग म्यूजिक सिर्फ नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए सुनते हैं। जब भी माइंड में नेगेटिव थॉट आता है तो उससे छुटकारा पाने के लिए 80% लोग म्यूजिक सुनते हैं। नंबर 8, क्या आपको पता है कि हमारी जो नाक है कितनी तरह के गंध को फील कर सकती है? 1, 2, 3 या 100 या 1000? तो आपको बता दें कि हमारी जो नाक है वो 50,000 यानी 50,000 तरह की खुशबू को सूख सकती है। नंबर 7, इंसान अपने जीवन काल में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे पतली त्वचा कहाँ पाई जाती है और वह कितनी मोटी होती है? देन हमारे शरीर में सबसे पतली त्वचा हमारे आँखों की पलकों की होती है, जो लगभग 0.5 mm मोटी होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ होती है और वह कितनी मोटी होती है? देन हमारे शरीर में सबसे मोटी त्वचा पैरों की एड़ी की होती है, जो लगभग 4 mm तक मोटी होती है। नंबर 4, जब भी मनुष्य ज़्यादा खुश होता है तो कभी कभी उसके आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसे खुशी का आंसू कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि खुशी का जो पहला आंसू होता है कौन से आँख से गिरते हैं, यानी दाहिना या बायां? तो खुशी का जो पहला आंसू होता है वो दाहिना आँख से यानी दाहिनी आँख से गिरता है, और दुख का पहला आंसू बाईं आँख से निकलता है। नंबर 3, जब भी हम लोग मोबाइल सुपर मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मोबाइल का कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, अच्छा है या नहीं, तभी हम लोग मोबाइल खरीदते हैं। तो क्या आपको पता है कि हमारे जो आँख है वह कितना मेगापिक्सल की होती है? तो हमारे आँख 576 मेगापिक्सल की होती है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उससे ज़्यादा भारत में हर साल बच्चे जन्म लेते हैं? जी हाँ, उससे ज़्यादा है, यानी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज़्यादा ही हर साल भारत में बच्चे जन्म लेते हैं। नंबर 1, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होंगे, जो डर गया वो मर गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंसान की डर से मौत क्यों हो जाती है? तो किसी इंसान की डर से मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि डरने पर हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में एड्रेनालाइन रिलीज होता है, जो ज़्यादा होने पर पॉइजन बन जाता है यानी जहर बन जाता है। इसलिए किसी भी इंसान की मौत हो जाती है यानी डरने से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये नॉलेज किसी दूसरे को भी मिल सके।